आपका हमारे चैनल न्यूज़ ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी सारी सूरत हाल में जबकि सऊदी अरब का टिल्ट इंडिया की जानब वीजा पॉलिसी को देखते हुए ज्यादा लगता है और पाकिस्तान की जानब जरा कम लगता है, इस पर बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, इस पर हमारा फॉरेन ऑफिस इतना चुप क्यों है? हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा कसूर है। हाँ जी, हमने अपने मामले तो तय किए वहां पर, नवाज शरीफ ने सऊदी अरब से किए और जरदारी ने यूएई से किए, बेनजीर भी वहीं बैठी रही, इंसानों के घर वहां रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन इंडियन लॉबी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हुई इन लोगों की वजह से। ठीक, आप हैरान होंगे ना कि आप चले जाएं उसके साथ हो, सुलह हुदैबिया का जो मैदान है उसको अगर ले जाए जी, तो वो दिखाए कि वहां पाकिस्तानी किसी की इंप्लॉयमेंट की इजाजत नहीं है। इसहाक डार साहब के जो वो बने बने हुए हैं वो वहां भी पाकिस्तानी किसी को आने की इजाजत नहीं, केगल को बताएंगे जिनके पैसे वैसे वहां पर हैं। जब ये लोग नहीं रखेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? लेकिन ये पाकिस्तान की 2017 में आप देखें ना, ऑफिशियल फिगर ये कहते हैं कि जो 8,39,353 थे 2016 में, ये जो टोटल हमारी एम्प्लॉयमेंट थी ये रिड्यूस होकर कितनी होगी? 4,65,586। ठीक, बिल्कुल आधे के आधे हो गए। अच्छा, ये तो चलो वो इंडियन लॉबी आ गई, वो करी हमारे अपने बड़े, मैं कतर के उन लोगों से मिला था बहुत जो हायर अप थे, तो वो यही कह रहे थे कि मसला सारा यह है कि पाकिस्तान के अंदर होता यह है कि हमने एक साहब को दिया, वो चीफ एग्जेक्टिव थे, तो उनको हमने कहा कि आप पाकिस्तान से बंदों को बुला लें, उन्होंने अपने फिरके के सारे बंदे वहां बुलाना शुरू कर दिए, उनमें कोई एम्प्लॉयमेंट अपनी लॉबिंग शुरू हो जाती है, प्रायोरिटीज फिर आम के की बड़ी शिकायतें वो करते थे। हमारा अपना रवैया भी है उसको, तो चलो एम्प्लॉयमेंट में तो एक बंदा जो है एम्प्लॉय उसी को करता है जो काम उसको जिसको आता हो। ठीक, ये तो कायनात का असूल है, अल्लाह तबारक व तआला की भी असूल है, अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया मेरा बाग है, तो बाग में माली आप उसको ही रखते हैं कि जिसको माली का काम आता हो, काम आता ये हो। नहीं होता कि वो मुसलमान है या हिंदू है, ईसाई है, सिख है, माली का काम आता है वो रखें, चलो इस पर तुम छोड़। लेकिन ये जो चीज है कि वीजा जो हम लेते हैं उसमें पाकिस्तान को बाकी सारे मुल्कों की तरह उन्होंने ट्रीट करते हैं और फीस देते हैं, जबकि इंडिया का जो फीस है वो कम है, कम है। ये विजिट वीजा प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा हुआ है उनको। हम उन लोगों में आते हैं कि जो बाकी तमाम, जबकि आप जरा देखें उनके जो बाकी मुल्क हैं उनमें हिंदुस्तान भी है और उनमें जो पूरी की लिस्ट जो अभी इन्होंने नहीं दी, लेकिन ये मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट वहां पर मौजूद है कि जिसमें उन्होंने वो उसको दिया था, ये देखें ये है वो लिस्ट जो है। अब इसमें बल्गारिया है, रोमानिया है, क्रोएशिया है, हिंदुस्तान है, कब्रस है, अर्जेंटाइन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये वाले मुल्क भी शामिल हैं, बल्कि अब के हम शामिल हैं। चलो Right. इसलिए मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तानियों ने खासतौर पे कहा था कि भाई हम अगर बिजनेस करने आते हैं या बिजनेस वहां के लोग सऊदी, तो हम एक मुसलमान मुल्क और खुसूसन वो मुल्क जिसके साथ हमारी मोहब्बतें वाबस्ता हैं, जहां हिजाज है, जहां मक्का मदीना है, वहां के लोग हमें हिंदुस्तान से भी बुरा ट्रीट करें तो तकलीफ, तो उनको रियलाइज कौन करेगा? पाकिस्तान के रियलाइज कौन कराना चाहिए और सऊदी एम्बेसडर को भी इस पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बतों का मामला बिल्कुल और तरह का है, हमें उस तरह ट्रीट करें, वरना फिर हमें क्या है, लोगों के अंदर आपके दिल में खुद ही नफरत होगी पैदा, या लोग आपको बुरा समझेंगे तो हम उसका क्या इलाज कर सकते हैं?